हेलो स्टूडेंट, आई एम दीक्षा पाठक एंड टेक गैजेट्स एजुकेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। एंड बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशन। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशन। यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्ज़ाम। एंड व्हाट इज़ कंप्यूटर जनरेशन? तो कंप्यूटर जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन। एंड फिफ्थ जनरेशन को ही हम फ्यूचर जनरेशन कहते हैं। आज हम इनको डिटेल से समझेंगे और पढ़ेंगे। एंड फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन क्या है? जे पी एकर्ट एंड जे डब्ल्यू मोचली डेवलप द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC इन 1946 इन द USA। तो सबसे पहले जो बना था कंप्यूटर था ENIAC, डेवलप हुआ था फर्स्ट जनरेशन में एंड USA में हुआ था। वैक्यूम ट्यूब वाज द कोर एलिमेंट इन द फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कोर एलिमेंट क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ वाज फ्रॉम 1946 एंड टू 1959। जो फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था वो था 1946 से 1959। एंड पंच कार्ड एंड पेपर टेप वाज द सेकेंडरी मेमोरी। इसमें सेकेंडरी मेमोरी के रूप में किसको यूज किया था? पंच कार्ड एंड पेपर टेप को। लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इसमें क्या था कि इंटरनल स्टोरेज था उनका लिमिट था, लिमिट थी, कोई कैपेसिटी लिमिट थी, मतलब कम थी। स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में जो ऑपरेशंस होते थे वो बहुत स्लो होते थे। इट इज़ नॉट पोर्टेबल नहीं थी। कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ज़्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी लेती थी। मशीन कोड यूज फॉर एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन कोड के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता था। एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 700 एंड एटलास एंड ICL 1901। ये थे हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर वाज द कोर एलिमेंट इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें सेकेंड कोर एलिमेंट क्या था? कोर एलिमेंट की जगह किसका यूज किया गया था? ट्रांजिस्टर का। और फर्स्ट जनरेशन में किसका किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब का ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसे पूछा जाता है कोर फर्स्ट जनरेशन में कोर एलिमेंट के यूज क्या गया था, तो इसमें आ जाएगा वैक्यूम ट्यूब। और देन सेकेंड जनरेशन में क्या गया था? ट्रांजिस्टर का। द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज 1959 टू 1965। तो टाइम सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था? 1959 से 1965। जहाँ फर्स्ट जनरेशन ख़त्म होती है वहीं से सेकेंड जनरेशन स्टार्ट होती है। द टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। इसमें सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किसका यूज किया गया था? टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क का। हाई लेवल प्रोड्यूसर लैंग्वेज फोर्टेन कोबोल वाज यूज। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुई थी फोर्टोन और कोबोल जैसी। रिक्वायर्ड लेस पावर टू ऑपरेट। इसमें फर्स्ट जनरेशन के अपेक्षा कम बिजली की खपत होती थी। स्मॉलर रिलेबल एंड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से स्मॉल था, थोड़ा छोटा था, रिलेबल था, फास्टर था उससे थोड़ा, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से थोड़ा एडवांस ही था ये। तो मैग्नेटिक कोर वाज यूज फॉर प्राइमरी स्टोरेज। और प्राइमरी स्टोरेज के लिए इसमें किसका यूज किया गया था? मैग्नेटिक कोर का। एंड नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर 113M, 360, NCR 395, TDC 316, डेवलप्ड बाई जैक केवली। ये थे हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट ICS वाज़ द कोर एलिमेंट इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में एलिमेंट कोर के लिए किसका यूज किया गया था? ICS, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1965 टू 1971। जो सेकेंड जनरेशन 1965 में फिनिश हुआ था तो ये 1965 में स्टार्ट हो गया था इन टू 1971 तक। मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए इसका किसको यूज किया गया था? मैग्नेटिक डिस्क का। डेवलप फॉर ऑफ मिनी कंप्यूटर, तो जो मिनी कंप्यूटर्स थे वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से बनना स्टार्ट हो गए थे। इन दिस जनरेशन OS वाज डेवलप, और इसी जनरेशन में, मतलब थर्ड जनरेशन में ही ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था। स्मॉलर देन सेकेंड जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन से और स्मॉल थे। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्टेन, कोबोल, पास्कल, इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज यूज की गई थी, लेकिन ये उससे थोड़े छोटे थे। मिनी कंप्यूटर बनना स्टार्ट हो गए थे, जैसे कि हम डायग्राम में या फिर इमेज में देख सकते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इमेज ये छोटे थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से।
एंड नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. तो द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर DEC 10, Star 1000, etc. ये थे हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. एंड लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट LSICH वार द कोर एलिमेंट. इसमें कोर एलिमेंट के लिए किसका यूज किया था? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट. उसमें ओनली इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया था थर्ड जनरेशन में. इसमें किया गया लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट. द टाइम पीरियड ऑफ द फोर्थ जनरेशन. फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था? 1971 टू 1985. इसमें क्या था? 1971 से लेकर 1985 तक इसका टाइम पीरियड था. सेमी कंडक्टर वाज यूज फॉर प्राइमरी स्टोरेज. प्राइमरी स्टोरेज के लिए इसमें किसका यूज किया गया था? सेमी कंडक्टर का. डेवलप्ड ऑफ माइक्रो कंप्यूटर और PC. इसमें भी माइक्रो कंप्यूटर और PC मतलब कि PC डेवलप हुए थे. इन दिस जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर यूज और इसी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था. हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C, C++, DBMS यूज दिस जनरेशन. इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुई थी C, C++, DBMS आदि. एप्लीकेशन डेवलप्ड बाई यूजर्स विद यूजर फ्रेंडली. एंड नेक्स्ट इज फ्यूचर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, या फिर हम कह सकते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में था द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डेस्कटॉप, लैपटॉप, लैपटॉप ये आ गए थे. अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI इज द कोर एलिमेंट. इसमें कोर एलिमेंट क्या था? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. द टाइम पीरियड ऑफ द फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था? 1985 टू टिल डेट, मतलब 1958 से अब तक की जो डेट है वो. रैम एंड रोम इज यूज फॉर प्राइमरी स्टोरेज. रैम एंड रोम इसमें प्राइमरी स्टोरेज के लिए यूज की गई. हार्ड डिस्क एंड सॉफ्ट डिस्क HDD एंड SSD यूज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज. इसमें सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज किया गया था. ऑल हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C, C++, जावा, पाइथन यूज किए जा रहे हैं आजकल फ्यूचर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में. एंड इसमें मैंने शॉर्टकट वो बनाया है. जैसे फर्स्ट जनरेशन हुआ था, टाइम पीरियड था 1946 से लेकर 1959 में, और इसमें टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब्स की यूज की गई थी. सेकंड जनरेशन में 1959 से लेकर 1965 हुआ, फिर इसमें ट्रांजिस्टर यूज हुआ. थर्ड जनरेशन में 1965 टू 1971 इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ. एंड फोर्थ जनरेशन में 1971 से लेकर 1980 तक माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ. एंड फिफ्थ जनरेशन में 1980 से लेके प्रेजेंट, मतलब अब तक AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हो रहे हैं फिफ्थ जनरेशन में. ये है हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम, ये ज़रूर पूछा जाता है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.